गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। और आज भी आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरपी पब्लिक स्कूल जोगठहर में। और जैसा कि हम रोज़ कुछ ना कुछ आपको पढ़ाते हैं बुक के माध्यम से, वैसे ही बताते रहते हैं, तो आज भी हम आपको लेकर आए हैं बहुत ही अच्छी सी जानकारी एक बुक के माध्यम से, जिसका नाम है विज्ञान जगत, यानी कि विज्ञान की किताब है। उसकी किताब के माध्यम से आपको बहुत अच्छी जानकारी देने वाले हैं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं, जानकारी देने वाले हैं संतुलित भोजन के बारे में बच्चों, जो कि हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, भाग है। क्योंकि अगर हमें सही से जीवन व्यतीत करना है, जीना है, स्वस्थ रहना है और निरोगी रहना है, तो हमें अपने जीवन में संतुलित भोजन को ज़रूरी अपनाना चाहिए। और अपनाना ही पड़ेगा, वरना कहीं ना कहीं हमारे शरीर में कुछ ना कुछ तत्वों की कमी हो जाती है और हमारे शरीर में बहुत सारे रोग लग जाते हैं। तो बच्चों, आज हम पढ़ाने वाले हैं आपके लिए संतुलित भोजन के माध्यम से, आपको जानकारी देने वाले हैं बहुत सारी अच्छी अच्छी इस किताब के माध्यम से। तो आइए जानकारी लेते हैं संतुलित भोजन क्या है, किन किन पदार्थों में, किन किन सब्जियों में, किन किन फलों में वो सब चीज़ पाई जाती है, जो संतुलित आहार में, संतुलित भोजन में गिनी जाती है, उसमें कौन कौन से ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो शामिल किए जाते हैं, तब जाकर संतुलित भोजन बनता है। तो बच्चों, आइए पढ़ते हैं किताब और बने रहिएगा हमारे साथ अपने इस चैनल में आर पीपल स्कूल के साथ में, इससे आपको अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलती रहें। चलिए हम सिखाते हैं आपको किताब से पढ़कर कि संतुलित भोजन क्या है, किन किन वस्तुओं में पाया जाता है और हमारे शरीर के लिए कितना आवश्यक है। चलिए बच्चों, पढ़ते हैं आप बुक। चलिए बच्चों, तो देखिए जानकारी लेते हैं हम संतुलित भोजन की इस किताब के माध्यम से। किताब का नाम है बच्चों विज्ञान जगत, जो कि स्काईलाइन एक प्रकाशन है, उसकी बुक है ये, कक्षा 3 की, क्लास 3 की। तो हम जानकारी लेते हैं बच्चों संतुलित भोजन के बारे में। देखिए पाठ नंबर 8, पाठ का नाम है संतुलित भोजन। प्यारे बच्चों, जैसा कि अभी हमने बताया था कि संतुलित भोजन हमारे शरीर के लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए एक एक पॉइंट को पढ़ते हैं, एक एक लाइन को पढ़ते हैं और समझते हैं कि संतुलित भोजन किन किन चीज़ों में पाया जाता है और हमारे शरीर के लिए कितना आवश्यक है। तो देखिए बच्चों, पढ़ना शुरू करते हैं, ध्यान से समझेंगे सारे बच्चे, अपनी बुक खोल लेंगे, जहाँ भी आप बैठे हैं देख रहे हैं किताब निकाल लीजिए ये वाली, और ध्यान से समझिएगा। चलिए, तो लिखा है शरीर को स्वस्थ। देखो स्वस्थ का स्तर का ज़्यादा ध्यान दो, स यानी आदर्श व आदर्श व्यथ स्वस्थ। शरीर को स्वस्थ यानी कि निरोगी और अच्छा रखने के लिए, रखने तथा उसके उचित विकास के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। यानी भोजन माने वही खाना, आटा दाल चावल, आटा दाल रोटी सब्जी वगैरह, यानी कि शरीर को स्वस्थ और उसके उचित विकास के लिए हमें भोजन की जरूरत होती है। अगर हम भोजन नहीं करेंगे तो हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है। दैनिक कार्यों, दैनिक माने रोज़ के, दैनिक माने जो रोज़ के काम धाम होते हैं, तो दैनिक कार्यों, खेलने कूदने और पढ़ने लिखने में हमारे शरीर की बहुत सी ऊर्जा, ऊर्जा माने होती शक्ति, ऊर्जा माने हमारे शरीर की जो पावर है वो खर्च हो जाती है। शरीर की ऊर्जा को बनाए रखने के लिए, यानी हमारे अंदर शरीर की शक्ति बनी रहे, शरीर ताकत बनी रहे, उसके लिए हमें नियमित रूप से यानी कि नियम से पौष्टिक आहार लेना चाहिए। पौष्टिक मतलब स्वादिष्ट नहीं, स्वादिष्ट होना ही चाहिए, पौष्टिक मतलब हमें पौष्टिक दे यानी पोषण दे, जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं हमारे शरीर को चाहिए होते हैं, वो सब उनसे मिलते रहें, उसे कहते हैं पौष्टिक आहार। हम विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का प्रयोग करते हैं। अलग अलग तरह का भोजन हमारे शरीर को अलग अलग प्रकार से सहायता प्रदान करता है। यानी कि कोई रोटी ज़्यादा खाता है, कोई चावल खाता है, कोई सब्ज़ी खाता है, कोई मांस खाता है, कोई तैलीय चीज़ें ज़्यादा खाता है, कोई फल ज़्यादा खाता है, कोई दही मट्ठा दूध ये ज़्यादा लेता है। तो इन चीज़ों से अलग अलग भोजन में अलग अलग चीज़ें, अलग अलग प्रकार के जो तत्व होते हैं हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, वो प्राप्त होते रहते हैं बच्चों। लेकिन कुछ भोजन के तत्व शरीर को वृद्धि करने में सहायक होते हैं, यानी हमारे शरीर को बढ़ाने में, मांसपेशी बढ़ाने में, हमारी हड्डियों को बढ़ाने में सहायता करते हैं। जबकि कुछ भोजन के तत्व शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, और कुछ भोजन ऐसा होता है जिनसे हमें शरीर में शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है। हमें अपने शरीर के उचित विकास के लिए प्रोटीन, वसा और विटामिन वाले खाद्य पदार्थ, यानी खाने वाली जो वस्तुएं हैं जिनमें विटामिन होता है, उनका प्रयोग करने चाहिए। आगे लिखा है बच्चों, जब हम ऐसा आहार लेते हैं जिसमें सभी पोषक तत्व जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन व खनिज लवण हों, तो ऐसा आहार संतुलित आहार कहलाता है। यानी कि जिन चीज़ की हमारे शरीर को ज़रूरत होती है वो सारी चीज़ें ऐसे भोजन में मिलें, जिन फलों में मिलें, जिन जो हम भोजन करते हैं साग सब्जी रोटी वगैरह, तो वो हमें लेनी चाहिए। भोजन में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व निम्न हैं। अब कौन कौन से पोषक तत्व हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं बच्चों, देखिए समझिए। देखो लिखा है कार्बोहाइड्रेट,
ये एक पोषक तत्व का नाम है जो हमारे शरीर में आवश्यक होता है, चाहिए होता है, जो हमें भोजन से प्राप्त होता है, उसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। बच्चों आगे और भी हम बताते चलेंगे आपके लिए। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है देखिए समझिए, शर्करा, शर्करा का मतलब होता है यानी कि मीठी चीज़ें होती हैं, शर्करा या मांड, मांड का मतलब जो एक तरह से किसी फल में किसी भी सब्जी में जो चिकनी चीज़ें होती हैं, एक तरह से जैसे कि जेल टाइप का जो होता है उसको मांड कहते हैं। जैसे शर्करा या मांड युक्त भोजन में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, यानी कि जिन सब्जियों में जिन फलों में जो रसदार चीज़ें निकलती हैं, लेसेदार चीज़ें निकलती हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, यानी कि इस समय एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है। चावल, गेहूँ, चीनी, आलू, मक्का तथा कुछ फलों में कार्बोहाइड्रेट होता है। ये देखो चित्र भी दिए हुए हैं बच्चों, सब्जियों फलों के और अनाजों के। ये तो हो गई कार्बोहाइड्रेट की बात, जो हमारे शरीर के लिए हमें ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे हम अपना काम धाम करते रहते हैं। अगला देखो तत्व है वसा। वसा एक तरह से हम देहाती भाषा में समझा दें आपको, आम भाषा में चिकनाई, यानी जो चिकनी चीज़ें होती हैं जैसे तेल है, घी है वगैरह वगैरह, उनमें वसा ज़्यादा होती है। देखो लिखा हुआ भी है, वसा कार्बोहाइड्रेट की तुलना में अधिक गर्मी और ऊर्जा देते हैं, यानी जो चिकनी चीज़ें लोग खाते हैं उनके अंदर ज़्यादा एक तरह से ऊर्जा होती है। बच्चों अथवा बच्चों व शारीरिक श्रम करने वाले, यानी जो शरीर से मेहनत करते हैं, मजदूर टाइप के लोग होते हैं, जो शरीर से काम करते हैं, किसान लोग हैं, उन व्यक्तियों को वसा व कार्बोहाइड्रेट की अधिक आवश्यकता होती है। वसा की अत्यधिक मात्रा मनुष्य के लिए हानिकारक है। अब ज़्यादा वसा भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जिससे हमारे शरीर में चर्बी इकट्ठी हो जाए, शरीर मोटा हो जाए, यानी कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो गड़बड़ हो जाए। तो ज़्यादा चिकनी चीज़ें भी नहीं खानी चाहिए, इसलिए डॉक्टर लोग चिकनी चीज़ें खाने को मना करते हैं, कम खाने को कहते हैं। इससे मनुष्य रक्तचाप जाता है ना, ब्लड प्रेशर या अम्लपित्त का शिकार हो जाता है, रोगी हो जाता है। अम्लपित्त का मतलब हमारे पेट में कभी कहते हैं तेजाब बढ़ रहा है या गैस बढ़ रही है, खट्टे डकारें आ रही हैं, वो इसी वजह से आती हैं। तो हमें ज़्यादा चिकनी चीज़ें, ज़्यादा तली भुनी चीज़ें, बाहर की चीज़ें जैसे कि पकौड़े हैं, ब्रेड हैं, समोसे हैं, चाउमीन, बर्गर वगैरह बच्चे खूब पसंद करते हैं, इस तरह की चीज़ें हमें कम से कम हो सके तो ना लें, तो ज़्यादा बेहतर है। इनकी अधिक मात्रा से शरीर मोटा हो जाता है, केवल मोटा हो जाएगा, उसमें शक्ति नहीं होती, ज़्यादा ऊर्जा नहीं होती है। मक्खन, घी, तेल आदि पदार्थों में वसा होती है, ये चीज़ हमें लेनी चाहिए, लेकिन एक सीमित मात्रा में। आगे देखो बच्चों क्या लिखा है, कौन कौन से तत्व जो हमारे शरीर को चाहिए होते हैं, वो ध्यान से समझेंगे बच्चों। सही है, देखिए अगला जो तत्व है वो है प्रोटीन। प्रोटीन देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, बहुत ही महत्वपूर्ण एक भाग है हमारे भोजन का। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है। प्रोटीन शरीर को बढ़ने तथा शरीर के टूटे फूटे भागों की मरम्मत करने में सहायता करता है। कभी कभी चोट फेट लग जाती है तो हमारे देखा होगा आप लोगों ने, कुछ चोटें होती हैं, कुछ गुम चोट है या खुली चोट है, शरीर अपने आप ही सही कर लेता है। कुछ भी हम ना लगाएं, कुछ भी ना करें, तब भी बॉडी अपने आप सही कर लेती है। तो जिस शरीर के अंदर प्रोटीन की मात्रा पर्याप्त होती है, अच्छी होती है, वो शरीर जो होता है छोटे मोटे दुख दर्द को, परेशानी को, टूट फूट को शरीर के अपने आप ही सही कर लेता है। इसलिए प्रोटीन की आवश्यकता ज़रूर है, हमारे शरीर में होनी चाहिए। बढ़ते हुए बच्चों के लिए प्रोटीन सबसे आवश्यक पोषक तत्व है, यानी जो छोटे बच्चे हैं जो वृद्धि कर रहे हैं, 5-6 साल के 7 साल के 8 साल के, उनको प्रोटीन अच्छी मात्रा में देना चाहिए। दालें, सेम, मटर, मूंगफली, दूध, पनीर, मांस, मछली, अंडा, ये जितनी चीज़ें अभी गिनी गई, इन सभी चीज़ों में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है या पाया जाता है। तो हमें ये चीज़ें बच्चों खानी चाहिए। अब कुछ लोग शाकाहारी होते हैं जो मांस, मछली, अंडा नहीं खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मत खाइए, ये चीज़ें खाइए, दाल है, सेम है, मूंगफली है, दूध है, पनीर है, इनमें भी प्रोटीन होता है, ये चीज़ लीजिए, इनसे आपको प्रोटीन की मात्रा पूरी हो जाएगी। तो बच्चों ये बहुत ध्यान रखने की बातें हैं शरीर के, हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए किन किन जो पदार्थ हैं उनकी आवश्यकता होती है, तत्व उनकी आवश्यकता होती है। अगला देखो पोषक तत्व है खनिज लवण। अब खनिज लवण क्या होते हैं, किन से मिलते हैं, क्या काम में आते हैं, वो समझिए ध्यान से। लिखा देखो, शरीर के विभिन्न भागों को इनकी थोड़ी थोड़ी आवश्यकता होती है, यानी खनिज लवण शरीर के हर भाग में चाहिए होता है। ये हड्डियों और दांतों को मजबूत करते हैं, ये त्वचा सही रखते हैं, यानी हमारी जो खाल है उसको अच्छा रखते हैं, त्वचा में रोग कम लगते हैं, और स्वस्थ रक्त बनाते हैं। जब खनिज लवण की मात्रा हमारे शरीर में पर्याप्त होगी, ठीक होगी, संतुलित होगी, तो हमारा जो ब्लड बनता है, शरीर में खून बनता है, वो अच्छा होगा, उसमें कोई कमी नहीं होगी। लोहा, कैल्शियम, आयोडीन आदि प्रमुख खनिज लवण हैं, ये सब खनिज लवण होते हैं जो कई सब्जियों में मिलते हैं और बहुत सारी जो फल हैं उनमें भी प्राप्त हो जाते हैं।
कैल्शियम व फास्फोरस हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाते हैं। हरी सब्जियां और दूध में इनकी मात्रा अधिक होती है। पालक में लोहा पाया जाता है, यह रक्त को लाल करता है, इसलिए डॉक्टर लोग कहते हैं कि पालक खूब खाइए। और जिनमें आयरन होता है, यानी कि जो लोहे के बर्तन में सब्ज़ी बनाई जाती है वो अच्छी अच्छी होती है, वो हमें खानी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए। फिर देखो विटामिन, विटामिन भी हमारे शरीर की आवश्यकता है, किन तत्वों पाया जाता है समझने की आवश्यकता है। लेकिन बच्चों विटामिन की शरीर को कम मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन आँखों, त्वचा, घाव व हड्डियों के लिए अधिक उपयोगी है, यानी विटामिन हमारे शरीर को ज़्यादा नहीं चाहिए। ज़्यादा क्या चाहिए, एक तो हमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा चाहिए, प्रोटीन ठीक मात्रा में चाहिए और जो वसा है वो भी चाहिए। इन चीज़ की ज़्यादा जरूरत पड़ती है, विटामिन भी चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं इसमें बताया गया है। तो आगे लिखा है देखो बच्चों, विटामिन ए नज़र व त्वचा के लिए अच्छा है। विटामिन ए होता है वो हमारी आँखों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, हमारी त्वचा जो हमारी खाल है उसके लिए अच्छा होता है। ये मक्खन देखो एक से पाया जाता है जिससे हमें विटामिन ए की पूर्ति हो जाए शरीर में। देखो लिखा है ये मक्खन टमाटर हरी सब्जियों में होता है। तो बच्चों हरी सब्जी को बच्चे परहेज करते हैं, कुछ कहते हैं हम टमाटर नहीं खाएंगे, कुछ कहते हैं कि हमें ये सब्ज़ी पसंद नहीं है, कुछ कहते हैं हमें पालक पसंद नहीं है, कुछ कहते हैं हमें साग पसंद नहीं है। तो बच्चों हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, जो सब्ज़ी हमारे घर पर बने उसको हमें आराम से खा लेना चाहिए, उसमें कमियाँ नहीं निकालनी चाहिए। कुछ बच्चे ज़िद्दी होते हैं, नहीं मैं तो ये नहीं, मैं तो वही खाऊँगा, तो ऐसा बच्चों हमें नहीं करना चाहिए। आगे लिखा देखो विटामिन बी से शरीर मजबूत होता है तथा यह शरीर की ऊर्जा व वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। ये दूध देखो विटामिन बी कहाँ कहाँ मिलता है, ये दूध में मिलता है, सेब है, आटा है, इन सब में पाया जाता है। विटामिन सी, एक विटामिन सी होता है जो खट्टी चीज़ों में ज़्यादा मिलता है, हम बता दें आपको। विटामिन सी मसूड़ों व जुकाम के लिए लाभप्रद है। अगर आपको जुकाम है तो विटामिन सी लेने से जुकाम हमारा सही हो जाता है। लिखा है ये खट्टे फलों जैसे नींबू, संतरा, आंवला, केला, टमाटर आदि में पाया जाता है। और सबसे ज़्यादा विटामिन बच्चों आंवला में होता है विटामिन सी, ये बताया जाता है, बताते हैं जानकार लोग। आगे लिखा है विटामिन डी हड्डियों और दांतों के लिए उपयोगी होता है। विटामिन डी से हमारी हड्डियाँ, हमारे दांत मजबूत होते हैं और कैल्शियम से मजबूत होते हैं। इसका प्राकृतिक स्रोत सूर्य है, यानी धूप में विटामिन डी अच्छा होता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि धूप में दोपहर में आप बैठोगे तो अच्छा होगा, नहीं। जानकारी ये मिलती है, कुछ लोग बताते हैं, जानकार लोग इसकी पुस्तकों में लिखा हुआ है कि सुबह जब सूर्य उगता है, जब जिस समय लाल होता है सूर्य, उस समय उसकी जो धूप होती है उसमें विटामिन डी की मात्रा भरपूर होती है। तो सुबह सुबह की धूप यानी सूर्य निकलने से एक डेढ़ घंटे तक उसमें धूप में हमें रहना चाहिए, तो उससे विटामिन डी की हमारे शरीर में पूर्ति हो जाती है। इसके अतिरिक्त विटामिन डी दूध, मक्खन, पनीर आदि से भी मिलता है। तो बच्चों ये बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो हमें हमारे शरीर को आवश्यक होते हैं, जिनसे हमारा शरीर अच्छी तरह से काम करता है, स्वस्थ रहता है, निरोगी रहता है और हम आराम से प्रसन्न मन से रह सकते हैं, जब हमारे शरीर में सारे तत्वों की पूर्ति होती रहती है। कहीं ना कहीं जब किसी तत्व की कमी हो जाती है तभी हमारे शरीर में कोई ना कोई रोग आ जाता है या कोई ना कोई हमारे अंदर बीमारी टाइप की पैदा हो जाती है। तो बच्चों हमें ये संतुलित भोजन अच्छे से करना चाहिए, इसलिए हमें किसी चीज़ को खाने में परहेज नहीं करना चाहिए। सारी साग सब्जियाँ जो भी दाल वाल बनती है घर पे उसको हमें आराम से खा लेना चाहिए। कुछ भी फल है वो खा लेना चाहिए। कुछ बच्चे फलों में भी नखरे करते हैं घर पे मम्मी पापा से, हम नहीं, हम तो ये केला नहीं खाएंगे, हमें संतरा पसंद नहीं है, हमें वो लेके आओ, हमें पपीता नहीं खाना है, हमें कि तरबूज खाना है। तो बच्चों ऐसा नहीं, फल तो सारे अच्छे होते हैं और सभी फलों में कुछ ना कुछ हमारे शरीर के लिए पोषक तत्व की पूर्ति होती है। आगे देखो लिखा है बच्चों संपूर्ण आहार। अब संपूर्ण आहार, ये सब संपूर्ण आहार ये जो भी बताया गया था जिनमें ये सब चीज़ें मिलती हैं, खनिज लवण, विटामिन और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सब मिलती हैं, वो एक तरह से संपूर्ण आहार है। लेकिन कुछ और भी देखो थोड़ा सा लिखा हुआ है बुक में, लिखा है दूध एक संपूर्ण आहार है, यानी कि दूध में जो उपयुक्त चीज़ें बताई गई थी वो सारी चीज़ें दूध में समाहित होती हैं। लिखा हुआ है इसमें प्रोटीन, वसा, शर्करा यानी कि मिठास, विटामिन, खनिज लवण पर्याप्त मात्रा में होते हैं, समझ रहे हैं बच्चों। तो दूध हमें ज़रूर पीना चाहिए, दिन में कम से कम एक गिलास दूध तो हर बच्चे को मिलना चाहिए। लेकिन कुछ बच्चे दूध पीने में आनाकानी करते हैं, हमें दूध नहीं पसंद है, हम तो खौला हुआ पिएंगे, कि हमें कच्चा पिएंगे, कि हमें मलाई वाला चाहिए। नहीं बच्चों, दूध कैसा ही मिल जाए आपको पी लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं दूध में बहुत सारी चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं शरीर के लिए। शिशुओं का मुख्य आहार दूध ही है। जो छोटे बच्चे होते हैं वो तो केवल दूध पर ही जीते बेचारे,
तो दूध उनको भरपूर मात्रा में मिलना चाहिए। और देखा जाता है कि हाँ भी जाता है कि छोटे बच्चों के लिए माँ का दूध सबसे अच्छा होता है, अगर कहीं ना कहीं माँ का दूध नहीं मिल पा रहा है तो गाय का दूध उनके लिए सबसे अच्छा माना जाता है। आगे लिखा है देखो, सात से दस वर्ष तक की आयु के बच्चों को संपूर्ण आहार में अनाज, दालें, हरी सब्जियां, बसा, फल, दूध और चीनी उचित मात्रा में लेनी चाहिए। मैं यहाँ पर थोड़ी सी सलाह देना चाहूँगा, वैसे इसमें लिखा हुआ है चीनी के बारे में, सभी खा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, अगर चीनी की जगह थोड़ा सा गुड़ मिल जाए तो सोने पर सुहागा हो जाए, क्योंकि गुड़ में ज़्यादा अच्छी चीज़ें होती हैं, चीनी में कहीं ना कहीं किसी चीज़ की कमी हो जाती है। एक तो चीनी मिठास देती है लेकिन उसमें फास्फोरस की कमी हो जाती है, और जबकि गुड़ होता है उसमें फास्फोरस अच्छी मात्रा में होता है, तो चीनी की जगह हम गुड़ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन खैर कहीं कहीं नहीं मिल पाता, कोई दिक्कत नहीं, चीनी ही लेनी चाहिए। कुछ बच्चे होते हैं कि ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं, कुछ कम मीठा खाना पसंद करते हैं, कुछ चीनी लेना ही पसंद नहीं करते। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको थोड़ी सलाह देना चाहूँगा यहाँ पर इस पाठ के माध्यम से कि आपके घर में जो भी आपको अनाज या जो भी सब्जियाँ, जो भी भोजन बना है आपके घर में, आपके माँ ने बनाया है या आपकी बहन ने अपनी, आपकी भाभी ने बनाया है, उसमें हमें आनाकानी नहीं करनी चाहिए और भोजन को प्यार से करना चाहिए। कुछ बच्चे खाना खाने से पहले थोड़ा उस पर नखरे दिखाते हैं, रोते हैं, हमें नहीं ये नहीं वो नहीं ये चाहिए वो चाहिए। बच्चों ऐसा नहीं करना चाहिए, जो भी हमें मिले हमारे घर पर उसको प्यार से भोजन करना चाहिए। देखो जितना प्यार से भोजन करेंगे, जितना प्यार से भोजन बनाया जाएगा और जितने प्यार से खाया जाएगा चबा चबा कर, उतना हमारे शरीर को ज़्यादा पौष्टिकता प्रदान करता है ना, पोषण देता है। कुछ बच्चे बहुत जल्दी खाना खा लेते हैं, अनाप शनाप खाया आज समूचा निकला, कुछ चबाया कुछ नहीं चबाया, तो बच्चों इससे भी हमें जो पोषक तत्व होते हैं हमारे भोजन में वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से नहीं मिल पाते हैं और हमारे शरीर की आंत होती है उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए भोजन को खूब चबा चबा कर हमारे अंदर मुँह में जो लार बनती है, जो एंजाइम बनते हैं, उनमें खूब मिला देना चाहिए, चबा चबा कर पीस लेना चाहिए, तब हमें भोजन को अंदर यानी पेट में निकलना चाहिए। तो उससे ज़्यादा हमें प्रोटीन और ज़्यादा जो भी पोषक तत्व हैं उस भोजन में वो हमारे शरीर को मिल जाते हैं। तो ये तो बच्चों हमने पढ़ाया आपको संतुलित आहार के बारे में, संतुलित भोजन के बारे में। अब कुछ याद रखने वाली बातें, कुछ स्मरणीय तत्व हैं, उनको भी थोड़ा जान लेते हैं इस बुक में जो दिए हुए पाठ के अंत में। तो बच्चों ये कुछ स्मरणीय तत्व हैं जिनको हमें याद रखना चाहिए। ये तो लिखा है पहला पॉइंट, हमें शक्ति प्राप्त करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, यानी हमारे शरीर को जो ऊर्जा मिलती है वो किससे मिलती है, भोजन से। अगला लिखा है भोजन में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, यानी भोजन में खनिज होता है, खनिज लवण होता है, प्रोटीन होता है, वसा होती है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं और उसको भोजन में समाहित होती हैं। भोजन की अधिक मात्रा लेने से मनुष्य का शरीर मोटा हो जाता है। अब ज़्यादा भोजन करने से मोटा हो जाएगा लेकिन हमारे शरीर में कहीं ना कहीं रोग आने उत्पन्न हो जाते हैं, तो एक संतुलित मात्रा में और संतुलित भोजन लेना चाहिए। कैल्शियम, फास्फोरस हड्डियों व दांतों को स्वस्थ बनाते हैं, तो कैल्शियम फास्फोरस की मात्रा भी हमें लेनी चाहिए। कैल्शियम जैसे सफ़ेद चीज़ें होती हैं, दूध है, मक्खन है, दही है, इनमें कैल्शियम होता है, कुछ फलों में भी होता है, फास्फोरस भी होता है फलों में, और जो गुड़ होता है उसमें फास्फोरस अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो ये चीज़ें लेने से हमारा शरीर, हमारे जो हड्डियाँ हैं वो स्वस्थ रहती हैं। खनिज लवण की कम मात्रा ही शरीर के लिए काफ़ी होती है, खनिज लवण की हमारे शरीर को कम आवश्यकता होती है। वसा कार्बोहाइड्रेट की तुलना में अधिक गर्मी और ऊर्जा देती है। वसा मतलब जो चिकनी चीज़ें होती हैं, तेल, घी वगैरह, रिफाइंड वगैरह, वो कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा हमारे शरीर में ऊर्जा देती हैं और इनकी ज़्यादा मात्रा नहीं लेनी चाहिए, संतुलित मात्रा लेनी चाहिए। विटामिन जो होते हैं आँखों, त्वचा, घावों तथा हड्डियों के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं, इसलिए विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है, इनकी मात्रा भी हमें शरीर में अपने लेनी चाहिए किसी तत्व के माध्यम से, किसी स्रोत के माध्यम से, फलों के माध्यम से, सब्जी के माध्यम से। आगे लिखा है अंतिम जो बिंदु है, दूध एक संपूर्ण आहार है। दूध में देखो बताया गया कि संपूर्ण आहार भी बताया था, इसमें प्रोटीन, वसा, शर्करा, विटामिन तथा खनिज लवण ये सब पर्याप्त मात्रा में होते हैं, इसलिए हो सके तो रोज़ कम से कम एक गिलास दूध हर बच्चे को लेना चाहिए, जिससे कि किसी चीज़ की कमी अगर फलों में रह जाती है, सब्जी में रह जाती है, तो दूध से पूरी हो जाए। तो प्यारे बच्चों देखो, अभी हमने सीखा संतुलित भोजन किस तरह से हमारे शरीर के लिए आवश्यक है और महत्वपूर्ण है, और किन किन तत्वों की संतुलित भोजन में आवश्यकता होती है, वो सब इसमें जब हमने जानकारी ली। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर जो है, ये जो पाठ है संतुलित भोजन, जो भी पढ़ाया गया विज्ञान का, आपको अच्छे से पसंद आया होगा और आपको इससे जानकारी मिली होगी।
तो प्यारे बच्चे जानकारी अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने घर में जो बड़े हैं, मम्मी पापा हैं आपके, उनको ज़रूर बताइएगा, पाठ पढ़कर समझाइएगा, और आप भी अपने जीवन में चीज़ों का ध्यान रखें जिससे आपका शरीर निरोगी बना रहे। कहते हैं ना, काया है तो माया है, शरीर अच्छा होगा तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, और भी ऐसी जानकारी लेने के लिए, ऐसे सुंदर सुंदर पाठ को पढ़ने के लिए बने रहिएगा अपने इस चैनल RP पब्लिक स्कूल के साथ में, और हम आपको ऐसी अच्छी अच्छी जानकारी देने के लिए हमेशा प्रयासरत रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे, और आगे हमारे साथ बने रहिएगा अगली वीडियो तक। तब तक के लिए नमस्कार।